की वीडियो में आप लोगों को वेदर के रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा कि वेदर हम कैसे देख सकते हैं। जैसे हम कराची में, मैं कराची में रहता हूँ, जैसे भाई आप किसी शहर में रहते हैं, कहीं पर भी आप रहते हैं पूरी दुनिया में, आपको अगर वेदर देखना है तो आपको ऐप है, सिर्फ वेबसाइट है, सिर्फ बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा आपके इलाके में, आपके शहर में कब बारिश आ सकती है। तो मेरे साथ चलिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे, ये लिखा हुआ है स्काई मेट वेदर लाइव लाइटनिंग पाकिस्तान, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जाएं। ये देखिए दोस्तों, मैं कराची में, ठीक है, इस ऐप से शो हो जाता है कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ लाइटनिंग हो रही है, कहाँ थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ एक सेकंड, जैसे ये देखें कराची के आसपास बहुत सारे बादल हैं, सारे बादल हैं जिनसे थंडर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, लेकिन कराची के आसपास भी डेवलपमेंट नहीं है, इसका मतलब कराची में कोई बारिश के चांसेस नहीं है। जैसे हम यहाँ चले गए मुंबई पर, मुंबई देखिए थंडर क्लाउड मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी तेज या हल्की बारिश जा रही है। और कराची में भी सर ये कि अगर ये थंडर क्लाउड बन जाते हैं जहाँ पर भी बारिश होगी, और वैसे जितनी भी कराची में बारिश होती है, जितनी भी होती है, अगर कोई आज भी हो जाएगी तो कराची के ऊपर भी ऐसा शहर मौजूद होगा। तो इससे आपको इस बात का पता चलता है बड़ी आसानी से, आप अगर दिन में एक दो बार भी अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी। तो अगर आप इस मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।